देखिए, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आपको दो कामों के लिए चाहिए, एक रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा एडिटिंग के लिए। अगर आप मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा के जो नेटिव ऐप है उसकी बजाय आप ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करें और उससे वीडियो रिकॉर्ड करें। यहाँ पे आपको कई सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप फ्रेम रेट, बिट रेट, काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि आपको कैमरा के नेटिव ऐप के अंदर आपको नहीं मिल जाती, वहाँ पे दिक्कतें रहती हैं। उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, कैसे आप बेटर क्वालिटी ले सकते हैं ओपन कैमरा ऐप से, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी वीडियो क्वालिटी आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से चाहते हैं तो आप फिल्मिक प्रो एक ऐप है, 1500 रुपये के आसपास, हो सकता है कि अब ये ऑफर में वो 1100-1200 रुपये के आसपास भी आपको मिल जाए, वो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की वीडियो वो देती है। उसके अलावा भी एक दो ऐप और हैं, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पेमेंट में चाहते हैं। बट मैं पहले ही जैसे आपको बताया था कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप मोबाइल फ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन की बजाय अच्छा होगा अगर आप ओस्मो पॉकेट कैमरा आप खरीद लें, वहाँ पे उसको वायरलेसली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप है उसके लिए DJI मीमो ऐप, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कहीं दूर बैठे भी, और काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी वो आपको निकाल के देगा। अब बात करते हैं, ये तो थी रिकॉर्डिंग की, अगर आप DSLR से कर रहे हैं फिर तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर ही रिकॉर्डिंग होगी, उसके लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ जगह पर ज़रूरत पड़ती है, वो आगे और दूसरे वीडियोज़ में हम बात करेंगे जब हम एडवांस सेटअप की बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की, अगर आप ऑडियो सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अच्छे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर ले सकते हैं, जैसे कि जूम का H1N है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी एज ए ऑडियो रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए ऐप भी अवेलेबल हैं जो कि नॉइस कैंसिलेशन का भी काम करती है। इजी वॉइस रिकॉर्डर अच्छी ऐप है, मैंने पर्सनली उसको काफ़ी बार यूज़ किया है और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि सोने पे सुहागे का काम तो इसी को करना है, और वो है वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, एडिटिंग अगर आप अच्छी कर सकते हैं तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सब चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा DaVinci Resolve। प्रोफेशनल लेवल का बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी फीचर्स आपको जो पेड वर्जन में मिलती हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर्स में मिलती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा, यानी कि आप यूँ कहिए आप अगर जो भी करना चाहेंगे वो आप उससे कर पाएंगे, बेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका स्टूडियो वर्जन है वो पेड है, और पेड में भी अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके पास इतनी इनकम होती है कि आप पे कर सकते हैं, तो 25,000 के आसपास का है वो आप परचेज कर सकते हैं, बेस्ट वीडियो एडिटर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड दूसरा सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो, काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी देता है, बट उसका एक ड्रॉबैक है कि वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना पड़ता है, नियरली अबाउट 1600-1700 रुपये के आसपास आपको मंथली पे करने पड़ते हैं प्रीमियर प्रो को रन करने के लिए, बेस्ट क्वालिटी की वीडियो ये भी देता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो ओपन सोर्स है, और दूसरा एक और सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के अंदर इनबिल्ट आता है, उसके लिए आपको कोई डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको। तो ये तो थे कुछ वीडियो एडिटर्स जिनका आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो इनिशियली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ नहीं किया है, तो मैं रेकमेंड करूँगा DaVinci Resolve, क्योंकि लर्निंग कर्व आप एक चीज़ सीख रहे हैं उसको साथ के साथ सीखते चलेंगे तो प्रोफेशनल लेवल की वीडियोज़ आप अपने आप ही क्रिएट करने लग जाएंगे। तो DaVinci Resolve आप अपने लैपटॉप के अंदर यूज़, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और कोई भी ऐप
इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट कुछ भी काम चलाने लायक अगर हैं तो हम कह सकते हैं काइनामास्टर वहाँ पे ऐप है, दूसरा पावर डायरेक्टर है, उसके अलावा कई सारी फ्री ऐप भी हैं। ये पावर डायरेक्टर और काइनामास्टर दोनों ही पेड ऐप है, वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा। तो उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ अच्छी ऐप है, फ्री ऐप है, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके उन ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईपैड के ऊपर, अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो खर्चा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब अगर आप आईपैड के ऊपर वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक तो फ्री का ऑप्शन मिल जाता है जो आईपैड के अंदर इनबिल्ट आता है, वो आई मूवी, बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है, सारे फीचर्स आपको लगभग वहाँ पे मिल जाती हैं। बट फिर भी अगर आप और ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल वर्जन आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं LumaFusion को। LumaFusion वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी सारे एसेट्स हैं उसके अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, और दूसरा इसका जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा रेंडर करता है वीडियोज़ को बहुत जल्दी, 4K वीडियोज़ को भी आप सिंपली आईपैड के ऊपर एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प LumaFusion। अगर आप यूज़ करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो ये था कुछ एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, हार्डवेयर आपके पास है, आपने एडिट कर लिया, सारे काम हो गए, अब आपको उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, क्रोम ब्राउज़र मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र गूगल का ही बनाया हुआ है तो काफ़ी इंटीग्रेट, काफ़ी अच्छी है उसकी यूट्यूब के साथ, तो वहाँ पे आपको अच्छी फीचर्स, अच्छी एक्सटेंशंस कई बार मिल जाती हैं, तो क्रोम ब्राउज़र आप इस्तेमाल करें। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि वीडियोज़ आपकी यूँ मान के चलें हम 10 से 15 मिनट की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो करीब करीब 1 GB के आसपास की अच्छी क्वालिटी की अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हो जाती है, तो अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो अपलोडिंग में ईजी होगा। उसके साथ साथ आपको कुछ थंबनेल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वो आप पीसी के अंदर कर सकते हैं, उसके लिए आप पेंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं पूरा का पूरा वीडियोस बना चुका हूँ, कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप थंबनेल बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ टैग डिस्क्रिप्शंस वो सारी चीज़ें चाहिएंगी, उनके बारे में भी डिटेल्स में हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी वीडियो को, किसी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो को ग्रो करने के लिए टैग्स का प्रॉपर होना, थंबनेल्स का प्रॉपर होना, उसके साथ डिस्क्रिप्शन का प्रॉपरली आपको लिखना आना चाहिए, और उसको किस टाइम पे अपलोड करना है, कितने फ्रेम रेट के साथ अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन सब के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, उसका आंसर मैं उस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको YouTube चैनल को स्टार्ट करने, यानी कि इनिशियल से लेकर के फाइनल आप व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर आपका होगा, कितना खर्च आपको करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप देखेंगे कि मिनिमम बजट के ऊपर भी आप अच्छा YouTube वीडियो सेटअप कर सकते हैं। इन्हीं का जो टोटल प्राइस होगा वो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए Thank you very much.